नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं। बात करेंगे इस वीडियो में खालिस्तानी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की, जिसका एक वीडियो निकल कर आया है जिसमें उसने ये बताया है कि 2047 तक भारत के टुकड़े हो जाएंगे। उसमें उसने कुछ स्पेसिफिक रीजन्स बताए हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उस वीडियो को पूरा ब्रेक डाउन करके उसका एक 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 कपड़ा उतारते हुए पूरी उसकी एनालिसिस करेंगे कि वो जो बातें कर रहा है वो किससे प्रेरित हो सकती हैं, किससे रेजुनेट करती हैं, किससे मिलती जुलती है, और साथ ही हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, संभावनाएं हैं ऐसी, या फिर ये सिर्फ एक स्केयर टेक्टिक है, सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही, तो उसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही में यहाँ पर QR कोड दिया है तो हमको सपोर्ट प्रोवाइड करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की खबरें और एनालिसिस लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो फिर से एक बार खालिस्तानी कंजर गुरु पतवंत सिंह पन्नू का एक और वीडियो निकल कर आया, जिसमें उसने ये बताया कि 2047 There will be no India left। जी हाँ, उस पर्टिकुलर वीडियो में उसने ऐसी धमकी दी है कि 2047 तक भारत का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ये उसका उस पर्टिकुलर वीडियो में एक स्पेसिफिक स्लोगन था, 2024 one India, 2047 none India। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट उसने निकालकर पुश कर दिया मार्केट में, अपने खालिस्तानी जाहिलों के बीच में ये एक एजेंडा पुश कर दिया। अब इसको बीबीसी या ब्लूमबर्ग या इस प्रकार की संस्थाएं उठाएंगी और इसको और भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। उसने जो उसमें पर्टिकुलर चीजें कही हैं, जिसमें उसने जम्मू कश्मीर मेंशन किया है, पंजाब मेंशन किया है, आसाम मेंशन किया है, अरुणाचल प्रदेश मेंशन किया है, और साथ ही में नागालैंड भी मेंशन किया है। जी हाँ, पंजाब से ऊपर उठकर खालिस्तान के एजेंडा से अलग जाकर इधर जाकर उसने जम्मू कश्मीर की भी बात कही, उसमें आसाम भी अलग होगा, अरुणाचल भी अलग होगा और नागालैंड भी अलग होगा 2047 तक, इस प्रकार की बात कही। तो आइए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ये भी पर्टिकुलर 2047 की बात उसने कही है नन इंडिया की, उसके तो उसका जो स्लोगन है जैसे कि हमने बताया 2024 वन इंडिया, 2047 नन इंडिया, ये उसका स्टेटमेंट है। उसमें उसने पंजाब, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम को अलग करने की बात कही और साथ ही में ये बताने की कोशिश की कि ये सब जैसे ही अलग हो जाएंगे भारत का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो संभवतः भूगोल में भी, ज्योग्राफी में भी वो इतना ही इलिटरेट है जितना कि वो बाकी के सब्जेक्ट में है। भारत सिर्फ ये 5 स्टेट मिलकर नहीं बनता है, भारत में कई सारे ऐसे स्टेट्स जो अगर ऐसा होता भी है, एक फॉर एन इंस्टेंस अगर सोच भी लें कि ऐसा अगर होता भी है तो उसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो एक साथ रहेंगे और वो भी भारतवर्ष बनकर रहे। तो उसी के चलते ये सबसे पहली उसकी जो ज्योग्राफिकल इलिटरेसी है वो बयां करती है कि कैसे ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू एक पपी सिर्फ भौंकना जानता है, ना कि ग्राउंड रियलिटी। तो ये हो गया इसका पहला पहलू कि जो ये सिर्फ 5 स्टेट अलग करके पूरे भारत का अस्तित्व खत्म करने की बात कर रहा है वो उसकी ज्योग्राफिकल इलिटरेसी दिखाती है, या फिर संभवतः जिसने वो स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने वो एजेंडा पूरा प्रिपेयर किया है उसकी इलिटरेसी बताता है। तो ये हो गया पहला आस्पेक्ट जिसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि खालिस्तानी कंजर गुरु पतवंत सिंह पन्नू भले ही अपने आप को सॉलिसिटर मानता हो या फिर वकील मानता हो या फिर कुछ भी मानता हो, वो अनपढ़ है, गवार है और एक बस पपी है। ये हो गया पहला हिस्सा। चलते हैं दूसरे हिस्से पर। तो उसके अलावा उसने बात की ईयर 2047 की, उसने स्पेसिफिकली 2047 की बात की। अब ये जो पर्टिकुलर 2047 है ये हमने और कहां सुना है, तो एक है मोदी जी ने विकसित भारत का एक एजेंडा दिया था, उसमें उन्होंने 2047 की बात की थी, और साथ ही PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि हाल में एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक एजेंडा था पूरे भारत को इस्लामिक नेशन बनाने। तो PFI ने भारत हाल में जो डेमोक्रेसी है, हाल में जो सरकार है, जो लोग हैं,
उनको ओवरथ्रो करके, लोगों को कन्वर्ट करके और भारत को इस्लामिक नेशन बनाने का पूरा प्लान बनाया था बाय 2047, यानी कि भारत की आजादी से 100 वर्ष के अंदर। तो वो एक एजेंडा था जो हाथ लगा था पीएफआई की जब ऑफिस सर्च की गई उस समय, तो उसी से मिलता जुलता यहाँ पर 2047 का खालिस्तानी कंजर गुरु पतवंत सिंह पन्नू का भी एजेंडा दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी एक गौर करने लायक बात है कि 2047 का पर्टिकुलर एजेंडा उसने क्यों बनाया, 2047 को ही उसने नन इंडिया का स्लोगन क्यों दिया है। अब ये स्लोगन उसका खुद का तो है नहीं, वो सिर्फ एक पपी है, वो सिर्फ एक कंजर है, तो उसका खुद का दिमाग है नहीं, तो उसको जो भी नचा रहा है अपनी उंगलियों पर उसका ये एजेंडा है जो भारत को इस प्रकार से तोड़ना चाहते हैं और भारत में जितनी भी फॉल्ट लाइन्स है उनको बड़ा करके भारत में दरारें बढ़ाना चाहते हैं, ताकि भारत को जैसे उन्होंने रशिया के अलग अलग टुकड़े कर लिए उसी तरह से भारत के भी हुए टुकड़े कर पाए और इजीली ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है भारत वर्ल्ड अखंड भारत उसके ऊपर आसानी से अपना प्रभुत्व जमा सकें, अपना डोमिनेंस जगा सकें। तो ये दिख रहा है इनका ये जो 2047 वाला नन इंडिया का एजेंडा है उसके पीछे की हकीकत। साथ ही में अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो उसमें उसने चाइना को रिक्वेस्ट किया है कि वो अरुणाचल प्रदेश को चाइना में मिला ले। अब गुरु पतवंत सिंह पन्नू खुद एक यूएस का पपेट है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अजीत डोवल जी हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं उन्होंने खुद कहा है, एनएसए अजीत डोवल जी ने खुद ये बयान दिया है कि जस्ट बिकॉज ही इज अ सीआईए पपेट, यूएस पपेट, उसकी वजह से हम उसको नहीं छेड़ रहे हैं, उसकी वजह से भले ही वो यहां पर भारत में आतंकवादी घोषित है लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको ये पता है कि वो सिर्फ एक यूएसए का पपेट है, एक पपी है, एक पिल्ला है, एक कंजर है। तो इसी प्रकार से उसने ये बात स्पेसिफिकली चाइना को रिक्वेस्ट करते हुए क्यों कही, ये भी एक सोचने लायक बात है कि क्या यूएसए चाइना का भारत के साथ युद्ध नहीं हुआ, साउथ चाइना सी में भी ऐसी कोई भी अग्रेसिव एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई युद्ध नहीं हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा चलाकर चाइना को पुश कर रहा है भारत के साथ रिश्तों को डिस्टेबलाइज करने में, जिसको सुधारने में हाल में भारत और चाइना दोनों ही कुछ हद तक लगे हुए। तो उसी के सामने यहां पर गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने स्पेसिफिकली चाइना को अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की बात भी उस वीडियो में कही है। ये था तीसरा हिस्सा, वो जो पर्टिकुलर उसने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया है उसका। चौथा जो हिस्सा है वो है आसाम और नागालैंड का। अब ये जो पर्टिकुलर आसाम और नागालैंड की बात अगर करें, तो हाल में जो बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ है और वहां पर जो यूएसए का एक पपेट, एक पपी आकर बैठा है मोहम्मद यूनुस, उसके बाद से वहां से ये कॉन्स्टेंट नैरेटिव पुश किया जा रहा है कि भारत का वो जो पर्टिकुलर हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट का उसको बांग्लादेश में मिला लिया जाए। तो वो एक पर्टिकुलर नैरेटिव वहां पर पुश किया जा रहा है कि भारत का वो हिस्सा तोड़कर अलग किया जाए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अलग कर दिया जाए, जैसे कि हम होने देंगे, जैसे कि भारत की सरकार, भारत के लोग और भारत की सेना है वो होने देंगे, उन कुत्ते के बच्चों को वहां पर काटने देंगे, ऐसा वे लोग समझते हैं। लेकिन खैर तो भी उनका ये मानना है कि वे लोग उस हिस्से को भारत से अलग करके अपना प्रभुत्व वहां पर जमा लें। तो उसी के सामने ये पर्टिकुलर आसाम और नागालैंड का नैरेटिव चलाया जा रहा है गुरु पतवंत सिंह पन्नू के थ्रू, उसके प्रोपोगेंडा वीडियो के थ्रू। नागालैंड की अगर स्पेसिफिक बात करें तो वो पूरा क्रिश्चियन मेजोरिटी राज्य है और वहां पर कई सारे ऐसे चर्चेज हैं और कुछ प्रीचर्स हैं जो बाहर से आए हैं या फिर उनके कनेक्शंस हैं बाहर, जो वहां पर एंटी इंडिया नैरेटिव को बहुत ही सटली, बहुत ही सबकॉन्शियसली वहां पर पुश कर रहे हैं। तो उसी के चलते नागालैंड को भी भारत सरकार को थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि वहां पर भी किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। जिस प्रकार से असम में हेमंत बिस्व शर्मा जी बहुत ही अग्रेसिवली और बहुत ही एक्टिवली और साथ ही में बहुत ही कॉन्शियसली ये एफर्ट लगा रहे हैं कि जो भी भारतीय लोग हैं, रिगार्डलेस ऑफ विच कास्ट, क्रीड और रेस दे बिलोंग टू, विच रिलीजन और फेथ दे बिलोंग टू, रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर वो भारतीय हैं तो उनको अपना हक पूरी तरह से मिलना चाहिए और कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या वहां आकर उन लोगों के हक ना मार ले, इसकी वे खास परवाह कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट में
जो भी एक्शंस लेने पड़े, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने पड़े वो कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक्टिविटीज हमको नागालैंड, मणिपुर और अन्य कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां पर भी भारत सरकार को करनी चाहिए, ताकि उन सब जगहों को भी सुरक्षित रखा जा सके, वहां के जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सके और उनको आगे बढ़ाया जा सके। बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के लोग बहुत ही स्पष्ट है, वे लोग भारत के साथ हैं, वे लोग भारतीय हैं और प्राउड हैं। तो उसी के चलते अरुणाचल प्रदेश से ही सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा अगर चाइना ऐसी कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो। तो उसी के चलते अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन बात करें अगर नागालैंड की, तो नागालैंड में थोड़ी बहुत ऐसी ताकतें इन्वॉल्व है जिस प्रकार से मणिपुर में है, तो नागालैंड को डिस्टेबिलाईज करने की बात यहां पर की जा रही है और उसको भी भारत से बाई 2047 अलग करने की बात। स्पेसिफिकली इस वीडियो में गुरु पतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी कंजर ने कही, तो आने वाले समय में देखना होगा कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर फॉल्ट लाइंस बढ़ सकती हैं या फिर बढ़ रही है, जहां पर हम लोगों को खास करके भारत सरकार और भारतीय सेना को ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा उसने बात कही जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो रिसेंट में वहां पर चुनाव हुए, एनसी जीत गई, अब्दुल्लास की जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाली पार्टी है वो वहां पर जीत गए हैं। और साथ ही में लोगों को ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी अलग है। ये क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन है वहां पर जो वोट शेयर डिवीजन है अलग अलग पार्टीज के बीच में, उसको अगर देखें तो हिंदुस्तान टाइम्स का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर इलेक्शन में, जो कि हाल ही में कंप्लीट हुए, उसमें सबसे ज्यादा वोट शेयर मिले हैं नन अदर देन बीजेपी को। जी बीजेपी को 1/4 से ज्यादा वोट मिले हैं, 25% से ज्यादा वोट मिले हैं। सेकंड है जो वोट शेयर के मामले में वो है एनसी, अब्दुल्लास की ये जो पार्टी है वो सेकंड है, ना कि फर्स्ट इन केस ऑफ वोट शेयर। थर्ड है कांग्रेस और फोर्थ है पीडीपी, यानी कि जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है वो आखिरी में चल रही है, जिसका वोट शेयर है सिर्फ और सिर्फ 8% के आसपास। कांग्रेस का वोट शेयर है सिर्फ और सिर्फ 11% के आसपास। एनसी जो है वो 23% के आसपास है और सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं बीजेपी। तो भले ही वहां पर जम्मू कश्मीर में उनको सीट्स कम मिली हो, लेकिन उनका वोट शेयर, उनको वोट करने वाले जो लोग, उनकी संख्या पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे। तो जैसे कि हमने आगे भी बताया कि वहां जो नैरेटिव है वो एक आइडियोलॉजी है, वो जो पुश की गई है कई सारे दशकों से, उसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, एक दशक, दो दशक, कभी कभी एक से दो जनरेशन निकल जाती हैं। तो ऐसे केसेस में हमको भी बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही सोच समझकर अब बयान देने होंगे। हम अपनी तरफ से होपफुल हैं बीजेपी की सरकार को लेकर, और साथ ही में जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने 370 हटने के बाद उनको जो भी लाभ मिले हैं उसके चलते उन्होंने जो वोट किया है उसको देखते हुए, तो लेट्स बी बैलेंस्ड अबाउट इट, कि भले ही सीट्स एनसी को ज्यादा मिली हो लेकिन वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा है, तो वहां पर धीरे धीरे करके नैरेटिव चेंज होगा। तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी ग्राउंड रियलिटी इस गुरु पतवंत सिंह पन्नू कंजर को, खालिस्तानी कंजर को नहीं पता है, ये स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि अगर उसको पता होता तो वो अपने इस प्रोपोगेंडा वीडियो में, या फिर उसका जो स्क्रिप्ट राइटर था, या फिर उसका जो पपेटियर है जो उसको नचाता है, उसको पता होता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो वो जम्मू कश्मीर को अपने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करता। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में चुनिंदा ऐसे लोग हैं इन अ लिमिटेड क्वांटिटी जो ये खालिस्तानी एजेंडा पुश कर रहे हैं, जो यूएसए के पपेट बने हुए हैं, जो वहां से जो भीख मिलती है इनको, और पाकिस्तान आईएसआई से जो खुद भीख मंगे हैं उनसे जो इनको भीख मिलती है, उन भिखारियों से जो इनको भीख मिलती है, उस भीख पर यहां पर नाचते हैं, एक उपद्रव मचाते हैं, उन्माद मचाते हैं पंजाब में, और वही वे लोग करना चाहते थे हरियाणा में भी, लेकिन हरियाणा के लोगों ने उनको नकार दिया है, उनको अपनी बाउंड्रीज के अंदर, सीमा के अंदर भी आने नहीं दिया। तो इसी प्रकार से पंजाब भी उसको नहीं मिलने वाला है। बात रही अगर सिखों की, तो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में कई सारी जगहों पर सिखों के ऊपर टारगेटेड अटैक्स होते हैं, जेनोसाइड किया जा रहा है। अफगानिस्तान में सिखों की संख्या देख ली जाए,
और साथ ही में पाकिस्तान में जो सिखों के ऊपर हमले होते हैं, टारगेटेड अटैक्स होते हैं, उनकी बच्चियों को उठाया जाता है, गुरुद्वारा के जो ग्रंथी थे उनकी बच्ची को जब उठा लिया गया, तब भी ये कंजर का, ये बिल्ले का, ये यूएस के पपी का जो भौंकता रहता है भारत के अगेंस्ट में, उसका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। उसको सिर्फ भौंकने के पैसे मिलते हैं भारत के अगेंस्ट में, बिस्किट मिलते हैं भारत के अगेंस्ट भौंकने के। तो उसी के चलते ये एक पूरा प्रोपोगेंडा वीडियो था जिसमें उसने 5 अलग अलग स्टेट की बात कही और साथ ही में 2047 की बात कही। तो वो जो पर्टिकुलर 5 स्टेट है उसमें उसको ना ही ग्राउंड रियलिटी का पता है, ना ही उसको ज्योग्राफी का पता है। तो उसी के चलते उस अनपढ़ की बात पर और उसका जो अनपढ़ स्क्रिप्ट राइटर है या फिर जो पपेटियर है उसकी बात पर कितना भरोसा करना चाहिए, कितना उनको सीरियसली लेना चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या आपको लगता है कि उसने जो बातें कही उसको सीरियसली लेना चाहिए या नहीं, और गुरु बसवंत सिंह पन्नू ये बातें क्यों कह रहा है, और क्या उसमें हिम्मत है भारत आने की, ये भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, यहाँ पर QR कोड दिया है तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।